हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अभी तक का सबसे आसान पापड़ बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप घर में पड़े हुए सामानों से ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि पापड़ तेल में जाते ही कितना अच्छा से फूल जा रहा है, और इसमें ना ही मैं मीठा सोडा का इस्तेमाल करूँगी, ना ही पापड़ खार का। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से मैं पापड़ बना के आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस पापड़ को आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप इस पापड़ को बना कर रख सकते हैं। देख पा रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले पापड़ के जैसे, उतना ही स्वादिष्ट ये बनेगा फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। आप अपने घर में बनाएं और पापड़ को जब तक चाहे स्टोर करके रखें। काफ़ी क्रिस्पी और पतला पतला पापड़ बना है हमारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पापड़ को मैं बनाई हूँ मसूर के दाल से। तो मसूर के दाल तो हम लोगों के घर में ऐसे भी नॉर्मल पड़ा ही रहता है, और इस दाल से ही आज मैं आपको पापड़ बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मसूर के दाल को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से साफ़ करके धो के और रात भर के लिए फुला के ले लिया है। और दाल आप अच्छे से फुला लीजिएगा तो आपको कोई भी इसमें खार या सोडा कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं होगा, और आपका पापड़ बहुत अच्छे से तेल में जाते ही फूल के उसका साइज़ डबल हो जाता है। कम फुला हुआ दाल लीजिएगा तो वो पापड़ थोड़ा सा कड़ा कड़ा बनता है। तो आप दाल को रात में ही फुला लें अच्छे से। अब इसे डाल देती हूँ छोटा वाला मिक्सर जार में, जिसमें हम लोग चटनी पीसते हैं, और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल के और इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पेस्ट बना लेती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह की नई नई कुछ नया सा रेसिपी मिलती रहेगा फ्रेंड्स। और बेल प्रेस और ऑल दोनों पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप पहले से सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को तो आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दाल हमारा पीस चुका है, अब इसमें पीसूंगी चावल। तो आज मैं दाल चावल का ही पापड़ बना के आपको दिखाती हूँ, सबसे आसान तरीका और बिल्कुल नया। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा दाल और चावल के पापड़ इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। चावल को भी अच्छे से पीस के ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितना आप दाल ले रहे हैं मसूर का दाल, उसका तिहाई भाग आप चावल ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी लहसुन, 5 से 6 कलियाँ लहसुन का मैं डाल देती हूँ 1 कप दाल में, और 1 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा तीखा वाला है फ्रेंड्स, तो मैं 1 ही डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जैसा तीखा आप खाना पसंद करते हैं पापड़ में। और लहसुन भी इसके साथ ही डाल के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना ले रही हूँ चावल का। 1 कप मसूर का दाल में कम से कम 4 चम्मच के करीब मैं इसमें चावल डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। आप चाहे तो दोनों आधा आधा भी डाल सकते हैं, जैसे कि 1 कप मसूर का दाल और 1/2 कप चावल, तो भी आपका पापड़ बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे मसूर के दाल वाले पेस्ट में भी चावल का पेस्ट डाल ली हूँ और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसे मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं की हूँ, बहुत ज़्यादा बैटर को पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब इसमें डाल लेती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और बाकी का मसाला। तो सबसे पहले मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा जीरा, और इसके साथ जीरा के साथ ही आप इसमें जो मसाला चाहते हैं डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक हमारा, और भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पापड़ की वीडियो मैं अपलोड की हूँ, और आप लोग हमारे पापड़ की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो मुझे बार बार वीडियो लेके आना पड़ता है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल दी हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, आपके पास धनिया पत्ती है तो डाल ले, नहीं तो आप कड़ी पत्ता भी इसके जगह पर डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत चटपटा सा आता है। अब इसमें डाल दे रही हूँ काली, ये लाल वाला मिर्ची को थोड़ा सा बारीक कट करके, तो मोटा मोटा थोड़ा सा कट करके डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, पापड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है, और हरा मिर्ची भी पहले से डाला हुआ है, बस थोड़ा सा इस तरीके से कट करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो डालें, और कम तीखापन बनाना है आपको पापड़ तो आप नहीं डालें, दोनों में से कोई एक मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, बस 1/2 मिर्ची ही डाली हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इससे ही आपको पापड़ बना के दिखाती हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि कितना इसे गाढ़ा और कितना पतला रखना है। पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ डब्बे का ढक्कन। तो आप कोई भी डब्बा का ढक्कन जो इस तरीके से समतल हो, बीच में उबर खाबर सा ना हो, वैसा वाला आप ले सकते हैं। और साड़े में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर ले रही हूँ, जिससे कि इसमें पापड़ चिपके नहीं और बहुत अच्छा से निकल के आए। और आप इसे प्लेट में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें डाल देती हूँ खाने वाले चम्मच से, करीब दो दो चम्मच होगा ये बैटर, और सारे को अच्छे से फैला देती हूँ। पापड़ को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं डालिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं डालना है। इस तरीके से फैला दे रही हूँ। तो ढक्कन में पापड़ बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, और आपका ढक्कन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल भी होता है ना कि बहुत कोई कोई डर होता है कि हमारा ढक्कन ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है। जो कढ़ाई में पानी रहता है ना, उसके भाप से ये पापड़ पकता है। थोड़े ना इसे डायरेक्टली चूल्हे पे चढ़ाना है जो ढक्कन ख़राब हो जाएगा। इसमें से जो भाप निकलता है गरम गरम, उससे ये हमारा पापड़ स्टीम हो जाता है। तो ढक्कन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप बना सकते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ, पानी में डाल दी हूँ एक रिंग, और इसमें सारे ढक्कन को डाल देती हूँ जितना एक बार में आ जाए। अब इसे ढक के और अच्छे से पकने देती हूँ। 2 से 3 सेकेंड ही लगता है और एक बार का पापड़ बनके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड चलिए अब इसे चेक कर लिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारा पापड़ पक के रेडी है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से एकदम सूखा सूखा सा हो गया है। तो अभी इसे निकाल लेना है और इसी तरीके से बाकी का पापड़ को बना के तैयार कर लेना है। पापड़ का साइज आप चाहें तो बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा छोटा भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो पापड़ आपको बड़े साइज का भी बना के दिखा देती हूँ, उसी तरीके से इसे भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल प्रेस भी कीजिएगा और ऑल पे भी क्लिक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो देखिए पापड़ बना के मैं रेडी कर चुकी हूँ। अब इसे निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है पकने के बाद। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से किनारे को इस तरह से छुड़ा लें और छुड़ाने के बाद पापड़ पकड़ के आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से सारे पापड़ को निकाल के और डाल देती हूँ सूखने के लिए। आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में सुखाए, नहीं है धूप तो कोई बात नहीं है, आप इसे पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं फ्रेंड्स। 2 से 3 दिन अच्छे से सुखा लीजिएगा, उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और पापड़ का टेस्ट तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप यदि एक बार बना के और इसे टेस्ट कर लेंगे तो बार बार इस पापड़ को बना के रखना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ बन के तैयार हुआ है। तो चलिए सुखा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सूखने के बाद पापड़ कुछ इस तरीके का है। पता ही नहीं चलता ये मसूर दाल का पापड़ है। बिल्कुल भी इसका कलर नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा मैं चावल मिलाई थी। तो चलिए एक दो पापड़ को फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। पापड़ फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गरम कर लीजिएगा, जितना कि हम लोग तेल गरम रखते हैं पापड़ के लिए, बिल्कुल वैसा ही। और पापड़ डालते ही बहुत अच्छे से ये पापड़ फूल जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ का साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा है, क्योंकि इसे बड़ा वाला पापड़ फ्राई करके आपको दिखाई हूँ। और देखिए मस्त बना है हमारा पापड़। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।